आज हमको रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था, मीटिंग काफ़ी अच्छी थी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। हमने एमएसएमई के और स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो इश्यूज है उसको रिप्रेजेंट किया है जो बजट में इंक्लूड हो, खास करके 43H में जो कायदा अच्छा है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सालों से है उसमें थोड़े रिलैक्सेशन मांगे हैं, एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट जो है उसकी लिमिट कम करे, तो एमएसएमई रियल एमएसएमई को फ़ायदा हो उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। नेटवर्क कहीं एलएलपीज और एओपीज कंपनी का टैक्स रैशनलाइज करे, आई नेटवर्क का टैक्स रैशनलाइज करे, और जो पैन आधार लिंक है उसमें वर्कर्स को जो डिफ़िकल्टी आता है आ रही है और उसके टैक्स कटे जाते हैं उसमें भी जो कर सके उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। और मुझे आशा है कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया गुजरात की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वो इस बजट में श्योरली पॉजिटिवली कंसिडरेशन होगा। और मैडम जी ने खूब शांति से सब सुने हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेशन से, और वो पॉजिटिवली उसको उस पर ध्यान गौर करेगी और ये बजट में आने वाले बजट में इसका इंक्लूजन होगा।